हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज एक टाटा स्काई की डिश के सिग्नल सेट करने आया हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जाल के अंदर पूरा पैक है और फिर भी सिग्नल चले जाते हैं, तो बंदर इसमें भी नहीं छोड़ते, इसको पूरे जाल को हिला देते हैं। तो गाइस देखते हैं कैसे ठीक करना है, बाकी में सिग्नल गए हैं या नहीं गए हैं। और इसकी थोड़ी LNB भी ऊपर से टूटी हुई है, तो वो भी देखेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस पहले इसका जाल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इसका जाल ओपन कर लिया है और मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सिग्नल कितने हैं। तो गाइस हमने मीटर को तो कनेक्ट कर लिया और सिग्नल भी अभी इसमें दिखा रहा है 68, यानी कि मीटर के हिसाब से तो सिग्नल ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। नीचे चैनल जो है रुक रुक के आ रहे हैं और कभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये इसकी LNB और LNB को अगर ये ऊपर से खुल गई है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी जाएगा और नीचे से पानी निकल नहीं पाता है, तो इसको जो है ना पूरा ही खोल देने में फ़ायदा है। ये हमने पूरा हटा दिया है, ये बिल्कुल सूखा है वैसे तो, इसमें पानी वानी तो अभी जब बारिश आई होगी तब गया होगा, अभी तो नहीं है। तो गाइस जैसे इसमें सिग्नल अभी पूरे आ रहे हैं और TV नहीं चल रहा था, उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारा एक कनेक्टर है, कनेक्टर में देखो ये यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो है कार्बन आ जाता है और कार्बन आने की वजह से भी सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं, सिग्नल चले जाते हैं। देखिए गाइस अभी इसके ऊपर जो है कार्बन आ रखा है, इस वजह से भी सिग्नल चले जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको साफ करके अच्छे से और कनेक्टर को भी साफ़ करके दोबारा से लगा सकते हैं। ये आप कनेक्टर भी देख सकते हैं, कनेक्टर की क्या हालत हो रखी है, तो इसको भी जो है काट करके दोबारा लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो गाइस हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, जो रियल प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।